सर पंजाब में पहले की निस्बत पीपल्स पार्टी निस्बतन थोड़ी कमजोर है, तो आइंदा इलेक्शन आपके लिए कितना चैलेंजिंग होगा? क्यों देखिए इलेक्शन तो होने कौमी सतह पर जी, और हमारे चारों सूबों में इलेक्शन भी होने हैं, तो आपकी बात जो है ये इसमें यकीनन कुछ थोड़े सा इसमें एलिमेंट ऑफ रियलिटी इसमें है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिकल इस वक्त जो उसकी जो पोजीशन कह रहे हैं, उसके जो हालात कह लें, वो एक उस आइडियल तौर पर आप उनको नहीं कह सकते को हैं, जिससे कि हम ये सोच सकें या क्लेम भी कर सकें कि हम पंजाब में कुछ बहुत अच्छा हमें सियासी तौर पे हमें रिजल्ट मिलेंगे। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, उसके लिए आपके आई डोंट नो आपके प्रोग्राम में इतना वक्त है कि नहीं है जिसे जा सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी अपने जॉब को थोड़े सा आगे में ले जा रहा हूँ जी जी। पिछले 1.5-2 माह में पहले की बनिस्बत पीपल्स पार्टी ने काफ़ी हद तक पोलिटिकल गेंस की एडवांटेजेस हमें यहाँ मिले हैं, ये हमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में ऐसे ऐसे हमें लोगों ने आके ज्वाइन किया है जिनकी अपनी ज़ाती जो उनका पर्सनल उनका वहाँ पे इम्पैक्ट है वो काफ़ी मौजूद है, जिसको आप आम अल्फाज में आप कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स कहते हैं या जिसको आप अंग्रेजी में इलेक्टेबल्स कहते हैं। बिल्कुल ठीक, हमें काफ़ी सारे इलेक्टेबल्स से ज्वाइन किया है जिसके बना पर पीपल्स पार्टी को ये यकीनन ये उनकी अब ये कन्विक्शन बनती जा रही है कि आइंदा इलेक्शन में हम माजी की बनिस्बत हम बहुत बेहतर इंशाल्लाह हमारे रिजल्ट होंगे इलेक्टेबल्स के आने से। जी इलेक्टेबल्स के आने से बिल्कुल ठीक है।